बच्चों हमारा चल रहा था चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और उसमें हमने कर ली थी एक्सरसाइज 5.1, और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फिलिंग द ब्लैंक इन द फॉलोइंग टेबल, गिवन डेट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द एन टर्म ऑफ द एपी। तो कल मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था nth टर्म फाइंड करने का, हाउ टू फाइंड द nth टर्म। तो उसके लिए फॉर्मूला था, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, nth टर्म इक्वल्स टू a प्लस का n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, n यहाँ पर वो टर्म है जो हमें फाइंड करनी है, तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है और कभी कभी tn के नाम से भी लिखा जाता है। तो tn इक्वल्स टू a प्लस का n माइनस वन इंटू डी, तो दोनों सेम ही चीज़ है। अगर आपसे बोले वो फाइंड द nth टर्म या फाइंड द tn, तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा दोनों के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन इसका हमें गिवन है, a इक्वल्स टू 7, d इक्वल्स टू 3 और n इक्वल्स टू 8। तो हमें इसमें ना nth मतलब 8 टर्म निकालनी है। ठीक है, तो फॉर्मूला हो जाएगा t8 इक्वल्स टू a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिख लिया, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी, और यहाँ पे जो टी एन है वो हमने ले लिया यहाँ पे एन की जगह पे 8। देखो बेटा, हमने यहाँ पे टी एन लिखा है, बुक में यहाँ पे कुछ भी लिखा हो सकता है, ये हमने अपनी तरफ से लेट किया है। तो टी एन की जगह ए एन, डी एन, जो भी वहाँ पे लिखा हो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। जैसे बुक में शायद ए एन लिखा हुआ है, तो जरूर नहीं है आप यहाँ पे टी एन लिखें, आप ए एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, बात एक ही है। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया, ए की वैल्यू हमें 7 गिवन थी, प्लस एन हमें 8 गिवन है और डी हमें 3 गिवन है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 7 प्लस का 8 में से बन गया 3, और 3 7 जो 21, एंड 7 प्लस 21 हो जाएगा हमारा 28। तो मतलब ए 8 या 28th टर्म जो है, सॉरी जो 8th टर्म है इसकी, इस एक्सप्रेशन की, या फिर हम बोले जो गिवन हमें वैल्यूज़ हैं उसकी 8 टर्म जो है वो 28 हो जाएगी। ठीक है, इसी टाइप से हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं यहाँ पर। जैसे फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में इसने टी एन हमें दे दिया, ए एन हमें ऑलरेडी गिवन है, फॉर्मूला सेम ही लगना है, जो भी वैल्यू आपकी गिवन है उसको पुट कर दीजिए, जो गिवन नहीं है वो आ जाएगी। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के लिए, फर्स्ट के जितने भी पार्ट हैं सबके लिए सेम ही फॉर्मूला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। मतलब हमें यहाँ पे एक सीरीज़ गिवन है, हम इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, उसमें सीरीज़ गिवन है 30th टर्म ऑफ एपी। ठीक है, 30th टर्म ऑफ एपी बतानी है, और सीरीज़ क्या है हमारे पास, 10, 7, --, इज, और ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। तो 30th टर्म निकालने का फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम है, ए 30 इक्वल्स टू ए हमारा 10 है, प्लस एन की जगह 30 माइनस 1 इंटू डी। डी देखिए कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था बेटा, डी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डी इक्वल्स टू होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो डी आ जाएगा हमारे पास माइनस 3, तो यहाँ पे हो जाएगी इंटू माइनस 3। तो हमने सारी वैल्यूज पुट कर दिए, 10 प्लस का ये हो गया 29 इंटू माइनस 3, माइनस 3 की 29 से इंटू करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, एंड 3 9 से 27, 2 कैरी, 3 2 6, 2 8। तो 10 में से 87 गया तो बचेगा माइनस का 77, तो इसकी 30th टर्म हो जाएगी माइनस 77, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, इसी टाइप से हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लाइक जैसे मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी कि क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पे कर रहे हैं, उसमें मैंने आपको कल एक बात बताई थी ना बेटा, जब भी हमारे पास 3 टर्म्स होगी एपी की, तो उनमें क्या रिलेशन होता है, बीच वाली टर्म का डबल इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट वाली टर्म, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो सेकेंड टर्म होती है वो फर्स्ट और थर्ड टर्म का हाफ होती है। ठीक है, तो इसी टाइप से हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे 3 का। फर्स्ट पार्ट आप देखिएगा, फर्स्ट है 2, फिर डैश हमें दिया है एंड 26। तो यहाँ पे देखिए हम एक तरीके से बी निकालना है, तो बी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस सी,
अपॉन टू, तो 26 प्लस टू 28 एंड 28 अपॉन टू हमारा हो जाएगा 14। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका सेकेंड या फिर कह सकते हैं इसका जो सेकेंड टर्म है वो निकाल लेंगे या बी निकाल लेंगे। ठीक है ना, कोई भी पार्ट हम इसका कर सकते हैं बहुत ईजिली। जैसे इसका हम सेकेंड पार्ट करें या आप चाहो तो इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं हम लोग। तो सेकेंड पार्ट करने के लिए हमने समय सेकेंड पार्ट में यहाँ पे डैश दिया है, फिर 13 दिया है, फिर डैश दिया है, फिर 3 दिया है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि इनमें क्या वैल्यू आएगी, तो आपको पता है इस वाले की वैल्यू निकालने के लिए भी हम जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड थ्री टर्म हो गई, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, इस वाली टर्म और इस वाली टर्म का सम कर देंगे, है ना, 13 प्लस 3 और उसका हाफ। तो ये किया हमने, 13 प्लस 3 हो गया हमारा 16, 16 का हाफ हो गया 8, तो हमारे पास ये आ गई टर्म। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म निकालनी है हमें। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो बिल्कुल वही कि सेकेंड वाली टर्म इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का हाफ, है ना, उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। जैसे सपोज मैं इसको ए मान लेता हूँ, तो 13 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए प्लस 8 अपॉन टू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हुई 13 इंटू टू और इक्वल्स टू ए प्लस 8 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास ए आ चुका है कितना, 26 माइनस 8, तो 26 में से 8 है तो बचा 18, तो ए हो गया हमारे पास 18। एक तरीका तो ये है, ठीक है ना, एक तरीका तो ये हो गया। ठीक, दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है, अगर मैं बात करूँ इन दोनों के कॉमन डिफरेंस की, तो कॉमन डिफरेंस होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं D1 निकालूँ तो हो जाएगा हमारा 8 माइनस 13, तो माइनस 5। अगर आप यहाँ से D2 देखोगे तो D2 भी हो जाएगा 3 माइनस 8 माइनस 5। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है कि इस वाली टर्म में से अगर माइनस 5 करोगे तो ये वाली टर्म आएगी, इसमें से माइनस 5 करोगे तो ये वाली। तो मतलब हमने जो है फर्स्ट टर्म में से जब माइनस 5 किया होगा तभी तो हमारे पास 13 आया। तो यहाँ से हम अगर फर्स्ट टर्म निकालें तो वो हो जाएगी 13 प्लस 5, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी हमारी 18। तो एक तरीका ये भी है, आप दोनों में से किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब जैसे हमें क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें दिए है, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा दोनों तरीके को। फर्स्ट तो ये वाला था, है ना, फर्स्ट मेथड तो ये था, सेकेंड मेथड ये था, तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें क्वेश्चन नंबर इसके थर्ड की, तो थर्ड में हमें कैसे दिया हुआ है, 5 फिर ब्लैंक है, फिर 9 होल 1/2 है। ठीक है, 5 फिर ब्लैंक है, फिर 9 होल 1/2 है। तो हमें नहीं पता यहाँ पर क्या आएगा ब्लैंक में, तो मैंने अपनी तरफ से ए और इधर बी लेट कर लिया, बट मुझे एक चीज़ पता थी कि इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस होगा a माइनस 5, ठीक है, वो इन दोनों के कॉमन डिफरेंस के इक्वल होगा, 9 होल 1/2 माइनस b के। ठीक है, ठीक है ना, तो मतलब हम यहाँ पे ना क्या कर लेंगे, कॉमन डिफरेंस से रिलेशन बना लेते हैं। ठीक है, तो जैसे a माइनस 5 वो इक्वल्स टू होगा क्या, b माइनस a, और वो इक्वल्स टू होगा क्या, 9 होल 1/2 माइनस b। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा इसे थोड़ा सा सॉल्व करके, a माइनस 5 बी माइनस ए इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करी 9 टू ज़ा 18 प्लस 1 19 अपॉन 2 माइनस बी। तो आप किसी भी दो को लेके इक्वेशन बना सकते हैं, जैसे मैंने सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड को ले लिया, थर्ड को ले लिया। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड को मैंने लिया, जैसे ये फर्स्ट था ये थर्ड था, ठीक है, इन दोनों को मैंने ले लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a माइनस 5, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाई फर्स्ट एंड थर्ड, बाई फर्स्ट एंड थर्ड, तो ये हो गया हमारे पास a माइनस 5 इक्वल्स टू 19 अपॉन 2 माइनस b। तो मैंने क्या किया, a और b को भी इधर ले आया और 5 को उठा के ले गया दूसरी तरफ। ठीक है, तो यहाँ से आ गया मेरे पास a प्लस बी इक्वल्स टू, एलसीएम लिया मैंने तो ऊपर की तरफ 29 अपॉन 2 आ जाएगा, है ना, देखो 19 अपॉन 2 प्लस 5 था ना, तो एलसीएम आएगा 2 और इसमें 2 से इंटू हो जाएगी, तो ये हो गया 10 प्लस 19, तो 29 अपॉन 2, तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारी। तो उसके बाद मैंने सेकेंड और मैंने क्या कौन सा ले लिया इसमें थर्ड वाला,
तो सेकंड और थर्ड भी ले सकते हैं, या फिर चाहो तो सेकंड और फर्स्ट भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी। जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड ले लिया, फर्स्ट और सेकंड में था a माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस ए, ठीक है। तो मैं a को ले गया इस साइड, ठीक, a माइनस का a था लेफ्ट हैंड साइड आके प्लस का a, और b माइनस का हो जाएगा, और 5 को ले गया मैं राइट हैंड साइड, तो ये हो गया 2a माइनस बी इक्वल्स टू 5, ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारी 2। तो आप बस क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो, 1 प्लस 2 कर दो, इक्वेशन 1 प्लस 2। तो जैसे ही आप 1 प्लस 2 करोगे, लेफ्ट वाली लेफ्ट में प्लस और राइट वाली वैल्यू राइट में प्लस, ठीक है। b से b कैंसिल आउट हो गया, a और 2a हो गया हमारे पास कितना, 3a, a और 2a हो गया 3a, और एक इधर हमने एलसीएम ले लिया 2, और इसके नीचे कुछ नहीं है 1, 2 और 1 का एलसीएम 2, और ऊपर हो जाएगा 29 प्लस 5 इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ से आ चुका है 3a इक्वल्स टू 29, और ये हो गया 10, 39 अपॉन 2। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, a के साथ 3 मल्टीप्लाई में है तो 3 चला जाएगा अपॉन में, तो 3 से हमने काटा, 3 वन ज़ा 3, 3 3 टू ज़ा, और 3 3 13, तो a की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 13 अपॉन 2। जैसे ही हमारे पास a आया, फिर तो हम इसकी कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, है ना। हमारे पास सीरीज जो थी उसमें हम अपना a फिल कर लेंगे, जैसे 5 डैश यहाँ पे a था, इधर b था, फिर डैश 9 होल 1 अपॉन 2, तो a की वैल्यू मैंने यहाँ पे फिल कर लेनी है 13 अपॉन 2। तो फिर इसके बाद हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे तो आप b की वैल्यू यहाँ पे पुट करके निकाल दो इक्वेशन में, या आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो b मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं, है ना, सेकेंड वाली टर्म इक्वल्स टू फर्स्ट वाली टर्म प्लस थर्ड टर्म अपॉन 2, तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। b तो फिर इसको मैं इधर ले गया क्रॉस मल्टीप्लाई में, 13 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 5 प्लस b, 2 से 2 कैंसिल, तो b इक्वल्स टू आ गया 13 माइनस 5, तो b आ गया हमारे पास a। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर जैसे वो इक्वेशन हमने बनाई थी ना, तो वहाँ पे a की वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हो, वो आपकी मर्जी है। समझ में आया बेटा सबको, किसी को कोई डाउट इसमें? यस सर। ठीक है, दोनों तरीके से आप कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक। अब इसके दो पार्ट हैं, ये मैं चाहता हूँ आप खुद से करो, क्योंकि ये थोड़े से अच्छे हैं, और इसमें आप थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, और जिससे नहीं होंगे फिर वो मेरे से पूछ लेना, इसको फिर मैं कल कराऊंगा, ठीक है। मैंने हिंट आपको दे दिया है ऑलरेडी कि कैसे करने हैं हम लोगों को, ठीक है ना, ए बी सी डी मान लीजिए, और फिर उनका डिफरेंस इक्वल रख दीजिए। जैसे मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से, थोड़ा सा और हिंट मैं दे देता हूँ आपको। जैसे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो इसमें जैसे माइनस 4 फिर डैश फिर डैश फिर डैश, कंटिन्यूस 4 डैश है, और उसके बाद 6 है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, और ये कौन सी टर्म हो गई, है ना, 1 2 3 4 5 6, है ना बेटा, 6 नंबर की टर्म हो गई। तो हमें देखो एक तरीके से टी एन दे दिया इसने, या फिर हम कह सकते हैं उसकी एनेट टर्म दे दी। एनेट टर्म होती है ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो एनेट टर्म इसने ऑलरेडी दे दी है। देखो बेटा ना, एक फार्मूला और होता है इसमें, लास्ट टर्म, ये एल जो है ना, एल स्टैंड्स फॉर लास्ट टर्म। तो अगर वो एनेट टर्म बोल दे या लास्ट टर्म बोल दे, दोनों का एक ही फार्मूला है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ लास्ट टर्म, लास्ट टर्म ब्रैकेट में एल इक्वल्स टू ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी, दोनों का सेम फार्मूला है, लास्ट टर्म बोले या टी एन बोले या एनेट टर्म बोले। तो देखो लास्ट टर्म हमें ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पे फिल कर देंगे हम लोग लास्ट टर्म को, ठीक है। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है ऊपर वालों से भी निकालो। मैंने इसको निकालने के लिए आपको तीन मेथड बता दिए, जो भी आपको सुटेबल लगे उससे निकाल दो। लास्ट टर्म इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी, माइनस फोर प्लस एन माइनस वन इन एन कितना है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, 6 माइनस वन, डी हमें पता ही नहीं है, तो डी निकल जाएगा यहाँ से। तो 6 ये हो गया माइनस 4 प्लस का 5d, इसको मैं इधर ले जाऊँगा तो 10 अपॉन 5d, तो डी की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास कितनी, 2। तो जैसे ही डी की वैल्यू 2 आई है, तो आपको पता है फिर क्या करते हैं, डी इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, डी इक्वल्स टू होता है फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, हमें नहीं पता ए बी सी डी मान लो। तो फर्स्ट टर्म डी इक्वल्स टू होता है हम लोगों का, ठीक है, डी इक्वल्स टू हो गया हमारा
सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो डी हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं टू, तो ए प्लस फोर, तो ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से माइनस टू। ठीक है, ए की वैल्यू माइनस टू आ गई, ऐसी आप बी की वैल्यू निकाल लो, ऐसी सी की, ऐसी डी की। ठीक है, तो मैंने आपको तीनों चारों मेथड बता दी जिससे आप निकाल सकते हो। ठीक है, एग्ज़ाम में अगर आपको ये करना हो तो आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हो, ये लगा दो चाहे ऊपर वाले लगा दो, ठीक है, जो आपको ईजी लगता हो उससे कर लो आप। समझ में आया सबको, किसी को कोई डाउट? नंदिनी, निकिता, संभवी, प्रिंस, हेलो, निकिता, नंदिनी, यस नो सर, समझ में आ गया बेटा? अब इससे करना, मेरे हिसाब से तो अब इससे करना ज़्यादा बेटर रहेगा। बस पता है इसमें क्या प्रॉब्लम आती है? इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। देखो मैं इससे ना करके दिखाता हूँ आपको, बहुत ही अच्छा मेथड है ये। वो तो इजी वाले तो हो ही जाएंगे, है ना, जैसे फर्स्ट सेकंड, तो आप किसी से भी करोगे वो हो ही जाएगा। फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ वाले में जैसे फर्स्ट डैश है, डैश है, फिर 38 है, फिर डैश, फिर डैश, फिर डैश, फिर माइनस 22 है। देखो इस वाले मेथड से करते हैं हम, हमारे पास फॉर्मूला है, टी एन बोलते हो इसको या लास्ट टर्म बोल दो, है ना, लास्ट टर्म मतलब स्टार्टिंग से लास्ट टर्म। ठीक है, तो वो है हमारे पास एल, और इसका फॉर्मूला है ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे वैल्यू पुट करो आप, वैल्यू लास्ट टर्म हमें दी हुई है इसमें ऑलरेडी 22, है ना, फर्स्ट टर्म नहीं दी हुई है और इसमें डिफरेंस भी नहीं दिया है। तो देखो मैं पता है क्या कर रहा हूँ, इसको मैं फर्स्ट टर्म मान रहा हूँ और यहाँ से मैं काउंट कर रहा हूँ, इसको मैंने फर्स्ट टर्म मान लिया क्योंकि हमें डी निकालना है। तो अगर मैं यहाँ से फर्स्ट टर्म मान लूँगा तो 1, 2, 3, 4, 5, इसको मत मानो फर्स्ट टर्म, आप यहाँ से फर्स्ट टर्म ले लो। ठीक है, तो यहाँ से हमने फर्स्ट टर्म ले लिया 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी 38 प्लस एन माइनस वन, 5 माइनस 1, और डी हमें नहीं पता, एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, तो माइनस 22 ये हो गया 38 प्लस का 4d। अब यहाँ से आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 38 को उधर ले जाएंगे तो 4d इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 28, 38 उधर जाके वो भी माइनस का, तो ये हो गया हमारा 40 एंड 60। तो d इक्वल्स टू हो जाएगा अपॉन 4, इससे कटा, d की वैल्यू आ गई माइनस 15। तो जैसे ही d की वैल्यू आई उसके बाद तो चाहे आपसे इसने कोई भी टर्म पूछी आप निकाल सकते हो, है ना। तो d जैसे मैं पहले इन दोनों पे लगा देता हूँ, तो d इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मैंने ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये सी, ये डी, डी तो ऑलरेडी लिया हुआ है तो इसको ई ले लेते हैं। ठीक है, इसको मैंने ई ले लिया, तो डी इक्वल्स टू होता है बेटा फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डी की वैल्यू माइनस 15 इक्वल्स टू 38 माइनस ए। तो यहाँ से हमारे पास ए आ जाएगा 38 प्लस 15, है ना, और यहाँ से इसको सॉल्व करने पर आ गया 53, तो ए की वैल्यू 53। ऐसे ही आप बी निकाल सकते हो, बी निकालने के लिए आप क्या करोगे, वही डी इक्वल्स टू बी माइनस 38, है ना, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, यही तो होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। तो फिर यहाँ पे अगेन बी की वैल्यू नहीं पता हमें, बट डी की तो पता है, डी की हमने पुट कर देनी है, डी की हमारी माइनस 15 है, यहाँ पे पुट कर दो, बी की वैल्यू हमें नहीं पता, माइनस 38, इसको सॉल्व करेंगे तो बी आ जाएगा हमारा 38 माइनस 15, तो बी को सॉल्व करने पे आ चुका है हमारे पास 3 एंड 2, 23। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर लीजिएगा, किसी को कोई डाउट है तो बताइए। समझ में आया ये वाला मेथड? ये इजी था ना पहले वाले मेथड के मुकाबले? यस सर। तो बेटा हाँ, तो आप इस वाले मेथड से कर लीजिएगा, ये बहुत इजी पड़ेगा आपको, बस इसमें डी निकालना है और डी निकलते ही फिर तो पूरा क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 में तो बहुत इजी है, बोला है एक एपी सीरीज का, एपी सीरीज हमें दी है 3, 8, 13, 18 डैश 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 इज 78, मतलब ए पी सीरीज़ की कौन सी टर्म 78 होगी। तो भाई हमें नहीं पता भाई कौन सी टर्म 78 होगी, बट हमें ये तो पता है फॉर्मूला, एन एट टर्म इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, कौन सी टर्म 78 होगी नहीं पता, बट टर्म तो पता हमें, तो ए की वैल्यू यहाँ पे 3 प्लस एन नहीं पता कौन सी टर्म है, नंबर ऑफ टर्म नहीं पता हमें, बट डी है हमारा, डी इक्वल्स टू होता बेटा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 3 को मैं इधर ले गया माइनस हो जाएगा,
फाइव के अंदर मल्टीप्लाई कर दी या मत करो, ठीक है। तो ये हो गया 75, फाइव को अपॉन में ले आए, ठीक है ना। कैलकुलेशन हमें इजी करनी है, तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इसके साथ होगा, फिर थ्री के फाइव एन के साथ भी, फिर हमें इधर ले जाना पड़ेगा। तो इससे बेटर ये है कि ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई में उसे डिवाइड पहुँचा दो। फाइव से काट दिया हमने 15 बार में, तो एन माइनस वन इक्वल्स टू 15 आ गया, तो एन इक्वल्स टू आ जाएगा 16। वन को लेकर राइट हैंड साइड, वो प्लस हो जाएगा 15 में, ठीक है। सेकेंड फोर्थ के सारे पार्ट, फोर्थ में मतलब एक ही पार्ट है, फिफ्थ के सारे पार्ट जो है वो भी इसी तरीके से होना है। यही पूछा गया, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, तो भाई नंबर ऑफ टर्म मतलब एन की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है ना। समझ में आया सबको, किसी को कोई डाउट? डाउट बेटा किसी को इस क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालते हैं? बोलते रहा करो, पता तो चलेगा आप क्लास में हो या नहीं हो। संभवी बेटा आप अनम्यूट करना जरा, क्लास में हो आप? यस सर। कृष्णा, नंदनी, निकिता? यस सर। ओके, नंदनी की आवाज नहीं आई मुझे। हेलो नंदनी, आप क्लास में हो बेटा? हेलो हेलो नंदनी, नंदनी क्लास में नहीं है शायद, है ना, मीटिंग ज्वाइन करके निकल ली। हेलो नंदनी, आप क्लास में हो बेटा? अपना अनम्यूट करो माइक। यस सर। तो बोलते कि नहीं, इतना टाइम लगा रहे हो, सो जाते हो क्या पढ़ते पढ़ते? चलो बेटा क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो। क्वेश्चन नंबर सिक्स में बोला है चेक करना है, चेक वेदर -150 जो है, एक हमें सीरीज दी हुई है, ए पी सीरीज हमें दी है 11, 8, 5 और 2। हमें बताना है क्या 150 इसकी टर्म होगी। चलो चेक कर लेते हैं। हमने माना nth टर्म थी, थोड़ी देर के लिए मान लिया कि ये nth टर्म थी, ठीक है, अपनी तरफ से हमने लेट कर लिया। चेक करना है हमें कि क्या इसकी टर्म होगी, तो हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए ये nth टर्म थी, ठीक है। a की वैल्यू 11 और b की वैल्यू, d की वैल्यू निकालने के लिए सेकेंड में से फर्स्ट माइनस कर देंगे, -3 एंड -1 इंटू -3। 11 को मैं ले जाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड, तो 150, 11 इधर प्लस, इधर आके माइनस, तो एन माइनस वन इंटू -3। तो मैंने इन दोनों को सॉल्व किया तो ये आ गया माइनस का 161, ठीक है। तो एन में ले जाऊंगा इसके अपॉन में, एन पूरे के साथ मल्टीप्लाई में ना, इसके अपॉन में गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो एन माइनस वन इक्वल्स टू आ गया 161 अपॉन 3। मैं 1 को भी ले गया, ठीक है। मैंने इनका एलसीएम लिया, ठीक है, मैंने थोड़ा सॉल्व किया इसको, 161 में 3 ऐड किया, 164 अपॉन 3। बट बेटा जैसे ही मैंने देखा यहाँ पे आया 164 अपॉन 3, बट 164 तो 3 के टेबल से कटेगा ही नहीं, तो मतलब हम नंबर ऑफ टर्म जो है वो फाइंड ही नहीं कर सकते। क्योंकि देखो नंबर क्या होता है, नंबर तो हमेशा एक कैसी वैल्यू होती है किसी भी नंबर का, अगर हम कोई भी चीज़ काउंट करें तो एक होल नंबर आएगा, है ना। जैसे मैंने बोला आपके पास कितने पेन हैं, तो आप ऐसे तो नहीं बोलोगे ना मेरे पास 3.5 पेन है, क्योंकि एक पेन छोटा था। तो नंबर बेटा हमेशा क्या होते हैं, एक होल नंबर होते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर बोले नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, तो वो हमेशा आप एक होल नंबर ही बोलोगे। ऐसा नहीं है कि अब जैसे मैंने बोला 10th में कितने बच्चे हैं, तो आपने बोला सर 12.5 बच्चे हैं, क्यों? क्योंकि एक बच्चा छोटा था बहुत, तो आप नहीं, या तो आप बोलोगे 12 बच्चे हैं या फिर 13 बोलोगे, ऐसा नहीं है कि 12.5 बोलोगे, ठीक है। तो हमेशा बेटा ध्यान रखना नंबर्स जो हैं वो एक होल नंबर आता है। तो यहाँ पे तो जो हमने ये नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे निकाला तो वो एक होल नंबर नहीं आ रहा, क्योंकि हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स में आएगा, अप्रोक्स में वैल्यू बता देता हूँ, 5, 4 और 6, 6 आएगा, 6, 6, 6, 6, 6 चलता रहेगा, तो 54.66। तो यहाँ पे लिखेंगे एन नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, ऐसे लिखना यहाँ पर, इसका आंसर नंबर ऑफ टर्म इज नॉट ए होल नंबर, देयर फोर नंबर ऑफ टर्म जो है होल नंबर नहीं है, नॉट ए होल नंबर, देयर फोर इसलिए -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ AP, ठीक है।
नॉट ए टर्म ऑफ गिवन एपी, एपी जो हमें एपी सीरीज हमें जो गिवन थी उसकी, ठीक है ना? ऐसे आप लिख देना बस। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपसे जब भी पूछता है कि क्या ये एपी टर्म का सीरीज का एपी जो सीरीज दी है उसकी टर्म होगी, तो आप सिंपली वहाँ पे एन की वैल्यू निकाल दीजिए, अगर एन की वैल्यू होल नंबर आ जाती है तो सीरीज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर इसका देखिए आप, क्वेश्चन नंबर इसका हम कर रहे हैं 7। 7 में बोला है फाइंड द 31st टर्म ऑफ ए पी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। हमें ना 31st टर्म बतानी है, ठीक है? 31st टर्म हमें बतानी है क्या होगी, पर हमें दिया क्या है कि जो इसके 11th टर्म है ना, लिख लेते हैं यहाँ पे, इसकी जो 11th टर्म है T11 वो हमें गिवन है 38 है, और जो इसकी 16 टर्म है वो हमें गिवन है 73 है। तो इन दोनों से ना हम इक्वेशन बना लेते हैं, तो हमारे पास बेटा फॉर्मूला होता है टी एन इक्वल्स टू ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है? इसी फॉर्मूले का हमें यूज़ करना है। टी एन हमें ऑलरेडी गिवन है 38, ठीक है? ए हमें नहीं गिवन है बट एन गिवन है, देखो बोला था ना 11 टर्म, तो 11 माइनस वन, डी भी हमें नहीं गिवन है, उसको हमने ऐसे लिख लिया 38 प्लस का ए और 12d, तो इसको या फिर ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस 12d इक्वल्स टू 38, इक्वेशन वन। दूसरा हमें दिया था 16, तो यहाँ भी हम लिखेंगे टी 16 इक्वल्स टू ए प्लस का 16 माइनस वन इंटू डी, है ना? यही हमारा एन होता है, तो 16 हमें ऑलरेडी गिवन है, तो 73 प्लस का ए और ये हो जाएगा हमारा 15d, तो या फिर ए प्लस 15d इक्वल्स टू 73। ये दो इक्वेशन बन गई, और इक्वेशंस को मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया हुआ है। इक्वेशन वन में से इक्वेशन, हाँ बेटा सर, ऊपर वाली इक्वेशन में 10d होगा। हाँ 10d होगा यहाँ पर, 10d सही कह रहे हो आप, 11 में से बन गया 10d। तो इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन कर दीजिए, ठीक है? टू हो जाएगी हमारी ए प्लस का 15d माइनस इक्वेशन वन, ठीक है? और बिल्कुल सेम ही हम करेंगे राइट हैंड साइड में भी। तो जैसे ही मैं ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस ए माइनस 12d और इधर हो जाएगा हमारे पास 5 एंड 3 35। तो ए से ए कैंसिल आउट हुआ, 15d में से 2 12d गया, बचा 3d, तो इक्वल्स टू 35। तो डी इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 35/3। तो जैसे ही डी आया, डी के बाद आप इसको यहाँ पुट कर दो या यहाँ पुट कर दो, ए आ जाएगा, ठीक है? तो मैं बाय वन से कर लेता हूँ, ठीक है? बाय इक्वेशन वन, बाय इक्वेशन वन से मैंने किया ए प्लस का 12 इंटू डी इक्वल्स टू 38, यहाँ पे लिखा पुट डी इक्वल्स टू 35/3, ठीक है? डी की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, तो ए प्लस का 12 इंटू 35/3 इक्वल्स टू 38, इससे ये कैंसिल हो गया, तो बचा कितना हमारे पास 4 एंड 4 की 35 से हम इंटू करेंगे तो ए प्लस का 22, ये 4 140 इक्वल्स टू 38, तो ए इक्वल्स टू आ गया 38 माइनस 140, तो ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 102, तो ए भी आ गया हमारे पास। अच्छा अभी आंसर नहीं आया, ए भी आ चुका है, डी भी आ चुका है, ठीक है? तो इसके बाद हम अब निकालेंगे अपनी, कौन सी टर्म पूछ रहा था वो, 31st, तो टी 31st इक्वल्स टू ए प्लस का एन 31 माइनस 1 इंटू डी, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है -102 प्लस का 30, और डी की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 35/3, तो 3 से ये कटा 10 बार में, तो -102 और प्लस का 350, दोनों को हमने माइनस किया, हमारे पास आ चुका है यहाँ पे 48 और यहाँ पे 2, तो 248 आंसर, ठीक है? समझ में आया बेटा फ्रेंड्स? पहले जो हमें कंडीशन गिवन थी बेटा, उससे हमने ए और डी की वैल्यू निकाल ली, और फिर जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था वो हमने उसका फॉर्मूला पुट करके वहाँ पर वैल्यू रख दी और हमारा आंसर आ गया। निकिता बेटा समझ में आया आपको? निकिता, संभवी, कृष्णा, वो लास्ट में जो कैलकुलेशन हुई है वो ऐड नहीं होगी शायद। कहाँ पर बेटा? -102 + 350। हाँ तो माइनस प्लस माइनस ही तो किया बेटा।
350 में से 102 माइनस कर दिया ना मैंने, ठीक है, यही तो बचेगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये 178 होगा, 178 होगा कहाँ पर बेटा? 178 कैसे हो जाएगा सर? डी की वैल्यू भी 7 आएगी। डी की वैल्यू 7 आएगी? यस सर। तो हमने कहीं ऊपर माइनस में गड़बड़ कर दी क्या? यस सर। तो मतलब बेटा आपको सर 10 डी लेना था। हाँ 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 सही कह रहे हो, इधर ही गड़बड़ कर दी थी ना हमने, तो यहाँ पर, यहाँ पर सही कह रहे हो, ठीक है। मेन चीज़ है मेथड आपको समझ में आए ना, करना क्या है। यस सर। है ना, मेन मेन यही है कि मेथड आपको समझ में आना चाहिए, आपने करना क्या है। वैल्यूज़ तो ऊपर नीचे हो जाती है, वैल्यूज़ तो कोई और भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि जो हमने लिया है वही हो एग्जैक्टली, ठीक है। मेन है आपको ये समझ में आना चाहिए हमें क्वेश्चन में क्या करना है। तो 10D यहाँ पे D इक्वल्स टू हमने 7 पुट कर दिया था, तो 10 × 7 70 हो जाएगा, है ना अभी, ठीक है? यस सर। हाँ तो इधर 70 हो गया, फिर इसको मैं इधर ले गया, तो 70 − 38, तो 70 में से 38 गया, कितना बचेगा? −32। हाँ तो एक वस्तु आ गया −32, ठीक है। उसकी वैल्यू फिर हमने इधर पुट करनी है, तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया ए की वैल्यू −32, ये हो गया 30, ठीक है, और डी की वैल्यू थी 7, तो −32 प्लस का 210, और इसमें से ये माइनस हुआ 210 − 32, तो बचेगा कितना बेटा? यहाँ पे हो जाएगा 8, 1 और 7, है ना, 178 ही बचेगा। यस सर। ठीक है, तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसे ही करना है, और आगे बोला जैसे क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लेते हैं हम, बोला एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, एक ए पी जो है इसमें 50 टर्म्स हैं, जिसकी थर्ड टर्म जो है वो 12 है एंड लास्ट टर्म जो है वो 106 है, तो इसकी 29 टर्म बतानी है। तो बहुत ही सिंपल है ना, ए पी इक्वल्स टू 50 टर्म की हमारी ए पी है, इसको हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं। जैसे बोला था कि एक ए पी सीरीज है जिसमें 50 टर्म है, तो टी एन इक्वल्स टू, अच्छा लास्ट टर्म भी हमें गिवन है, तो हम लास्ट टर्म वाला ही फॉर्मूला लगा लेते हैं, एल इक्वल्स टू ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। लास्ट टर्म हमें यहाँ पे कितनी दे रखी है, जैसे इन्होंने 106 हमने यहाँ पे फिल कर ली, ठीक है, ए हमें नहीं पता, ठीक है ना, एन हमें पता है 50 है, माइनस वन इंटू डी, डी भी हमें नहीं पता था, ठीक है, तो 106 इक्वल्स टू ए प्लस का 49 डी, तो हमारे पास आ गया ए प्लस का 49 डी इक्वल्स टू 106, ठीक है बेटा। और इसने ये भी बोला था विच थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म जो है वो 12 है, तो टी एन इक्वल्स टू ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, तो टी एन हमें दिया है 12, ठीक, ए हमें नहीं पता, और नंबर ऑफ टर्म जो थी वो थर्ड थी डी, तो 12 इक्वल्स टू ए प्लस का 2D, और यहाँ से हम लिख सकते हैं ए प्लस 2D इक्वल्स टू 12। ये इक्वेशन 1 हो गई हमारी, ये इक्वेशन 2 हो गई, दोनों को सॉल्व करके आप ए निकाल लीजिए, ठीक है ना, कर लोगे ऐसे? यस सर। है ना, दोनों को सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। निकिता आपसे हो जाएगा बेटा, निकिता संभवी, कृष्णा, यस सर। तो बेटा आज आप लोगों को ना इसमें बस केवल क्वेश्चन नंबर 9 तक ही करने हैं, 4 से 9 तक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से 9, और आप लोग आजकल होमवर्क सेंड नहीं कर रहे हो, तो अब नेक्स्ट क्लास में जो ये वाला होमवर्क सेंड नहीं करेगा ना, जो आज दिया है मैंने, उसको मैं एंटर ही नहीं होने दूंगा, ठीक है, अगर वो हो भी जाएगा मैं निकाल दूंगा, क्योंकि फ़ायदा नहीं है ना फिर कुछ पढ़ाने का जब आप होमवर्क ही नहीं करके भेजोगे। निकिता आपका हाथ ठीक है अब बेटा?
नो तो बेटा आप लेफ्ट हैंड से जितना लिख सकते हो ना लिख लेना, क्योंकि थोड़ा बहुत तो करोगे, अगर नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। सर। अब ठीक है, तो आप लोगों को बस केवल ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ मैं, 9 तक, सॉरी 4 to 9, 5 क्वेश्चंस दिए हैं बस, 5 क्वेश्चंस। तो आप चाहो तो 30 मिनट में भी कर सकते हो, 15 मिनट में भी कर सकते हो, इवन कराए हुए हैं मेरे, तो इसको करके आप मुझे सेंड करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।